रानी को बचाने के लिए गहन सोच में डूबे हुए गुरु पिता को देख 9 साल के बाद गोविंद राय जी ने हैरान होते हुए पूछा, पिताजी ये कौन लोग हैं और आप किस सोच में हैं? गुरु जी ने पुत्र गोविंद राय को बताया, ये कश्मीरी ब्राह्मण है, इनका धर्म खतरे में है, किसी महापुरुष की कुर्बानी से ही इनके डूबते हुए धर्म को बचाया जा सकता है। गुरु पिता की बात सुनकर गोविंद राय जी अपने पिता को कुर्बान होने के लिए भेजने वाले गुरु गोविंद सिंह साहिब ने समय आने पर भारत की संस्कृति को बचाने के लिए अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दी थी। इसलिए आज दुनिया श्री गुरु गोविंद सिंह जी को सरबंस दानी कहती है। पिता कश्मीर न होता तो भारत देश न होता। श्री गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब से मिलने दिल्ली के लिए रवाना हुए, तो उनके साथ भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी जैसे सिख थे। हुकूमत के खिलाफ विद्रोह करने का आरोप लगाते हुए औरंगजेब ने गुरु साहिब को उनके सिख सेवकों के साथ गिरफ्तार करवा दिया। गुरु साहिब को डराने के लिए औरंगजेब ने बहुत जोर लगाया, पर जब गुरु साहिब नहीं डरे तो जालिम औरंगजेब ने गुरु जी के 3 सिख सेवकों को खुले आसमान के नीचे सरिया हजारों लोगों के सामने अत्यंत सीह देते हुए शहीद करवा दिया। भाई मतीदास जी को आरी से चीर कर शहीद किया गया। भाई दयाला जी को जिंदा ही पानी में उबाल दिया गया। भाई सतीदास जी को रुई में लपेट कर जिंदा ही चला दिया गया। सहते हुए शहीद हो गए पर अपना धर्म नहीं छोड़ा। दिल्ली चांदनी चौक में स्थित भाई मतीदास चौक आज भी गुरुजी के 3 महान सिखों की अद्वितीय कुर्बानी की गवाही दे रहा है। मुसलमान बन जाओ और तीसरी शर्त थी मौत के लिए तैयार हो जाओ। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने पहली 2 शर्तों को नकारते हुए मौत को स्वीकार किया। एक ऐसा अनोखा चमत्कार दिखाया
जो दुनिया के इतिहास में आज तक किसी भी धर्म के पैगंबर ने नहीं दिखाया। मानवीय अधिकारों तथा हिंदू धर्म को बचाने के लिए ज़ालिम औरंगज़ेब की गलत धार्मिक नीतियों का विरोध करते हुए श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में अपनी अनोखी शहादत देकर धर्म की आजादी को जीवित रखा। श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेमिसाल शहादत की दास्तां को लाल किले के सामने स्थित गुरुद्वारा सीसगंज साहिब रहती दुनिया तक बयां करता रहेगा। किसी कवि ने गुरु जी की बेमिसाल शहादत को नमन करते हुए लिखा है, ये तिलक और जंजो कायम है रहमत कादर का सदका, ये पथ और पर्दे कायम है धर्म की चादर का सदका। कोई माने या ना माने, दिल्ली अब तक बोल रही, मंदिरों के झंडे झूल रहे, गुरु तेग बहादुर का सदका। श्री गुरु तेग बहादुर जी की अद्वितीय शहादत के बाद गुरु जी के सिख भाई जैदा जी गुरु साहिब का शीश आनंदपुर साहिब ले गए और गुरु जी के बिना शीश वाले शरीर को भाई लखी शाह वड़जारा रायसेना स्थित अपने घर ले गए और लखी शाह जी ने अपने ही घर को आग लगाकर गुरु जी के पवित्र शरीर का अंतिम संस्कार किया। आज उस स्थान पर भव्य गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब सुशोभित है। मानवीय अधिकारों तथा धार्मिक आजादी के लिए हुई श्री गुरु तेग बहादुर जी की बेमिसाल कुर्बानी को श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब ने नमन करते हुए 75 नाटक में लिखा है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400वें पावन प्रकाश पर्व के मुबारक मौके पर हम गुरु साहिब के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का संकल्प लें। राधा प्रभुता
तू राधा